अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पुराने ख्यालों वाली बड़ी बहन नहीं हूँ। ये तो झुककर पैर ही पौरा नहीं करेगी तो मैंने बुरा लग जाना है। उठ जा, उठ जा, आ बाबू उठ जा। ये छोटी बहन वाले दूसरे फर्ज निभाओ। ये इसको ना किचन में रख दे और मेरे रूम की ना थोड़ी क्लीनिंग श्लीनिंग कर दे, बड़ा डर्टी हो रखा है। और मेरा और तेरे जीजू का कबर भी साफ कर दियो। ओके, गुड गर्ल, लव यू। क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, नौकर नहीं है हम तुम्हारे, प्रिंसेस पंकजा है हम, समझी? ओह माय गॉड, प्रिंसेस पंकजा है हम। एक गल दस मैनू, बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन कब से प्रिंसेस बनने लग गई? ओ गोलू मोलू चाचा जी, ओ गोलू मोलू चाचा जी, इधर इधर इधर। सत श्री अकाल जी। पता है आपकी पापा की परी ने अभी मैनू उल्टा जवाब दिए। एक गल दस ना, बड़ी बहन से कोई ऐसे बात करता है भला? कुछ सिखाया नहीं उस पगली को? गलती ना सारी आपकी है चाचा जी, आप अपने राशन के चक्कर पर अपनी बेटी पर शासन करना ही भूल गए। अरे मैनू मत सुनो, इस कोड़ी नु लगाम लगाओ, इसकी जुबान ना बेलगाम हो रखी है एकदम। कुछ समझाइए इसे, कुछ समझ। अरे डैडी जी, आइए आइए, वेलकम जी वेलकम, आप ही की तो कमी थी। एक गल दसो मैनू, ये आपके राज में हो क्या रहा है? ये गोलू मोलू चाचा जी खाना खा के घर का बजट हिला रहे और बेटी मेकअप थोप थोप के, अरे मतलब पैसे के पेड़ पे उगते हैं जी। हाँ बताइए, हाय रब्बा, कोई समझता ही नहीं है। भैया छोड़ेंगे नहीं इसको। तो इंतजार काहे कर रहे हो परवेश? इच्छा को लो और घोप दो, हिमा खत्म करो इको, यहाँ ही हम संभाल लेंगे सब। मारो ऐसा भाई। चाचा जी आप तो सीरियस हो गए। गोलू मोलू चाचा जी? चाचा नहीं, खतरनाक चाचा है। पंकजा तुम हटो बीच में से, अभी ना छोड़ेंगे तुमको। अब तो कहीं तो मैं वो दिखाएगा, तुम बीच में से हटो रमला। जी आपको कुछ भरी जबानी मरना नहीं। रमला तुम हटो ना बीच में से, रमला आपको जाने दो। क्या करिए, रोमांटिक सिचुएशन है। कहाँ जाओगी, कहाँ जाओ आपके, कहाँ जाओगे? गोलू मोलू चाचा जी प्लीज शांत हो जाइए, आप बहुत सीरियस लग रहे हैं। सीरियस हैं हम सच में मार डालेंगे तुमको, सच में। हाँ देखिए गाइस, देखिए मेरा लाइव मर्डर, देखिए मेरे गोलू मोलू चाचा जी मैनू मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मेरे पापा जी भी, देखिए दोनों के हाथों में चाकू, आंखों में खून। परवेश ये लड़की पास आ देगी, रुक जाओ भाई। ये देखिए गाइस, जूम जूम कर कर के देखिए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ। कुछ नहीं मम्मी जी, वो गोल मटोल चाचू जी के ना बहुत भूख लग रही थी तो मैं उन्हें ये एप्पल पास कर रही थी। लीजिए चाचू जी। थैंक यू बेटा। औलाद ना ऊपर वाले की देन होती है डैडी जी, तो वो किसी को भी कैसी भी दे सकते। सही गल दसो मैंने, अपनी झूठी शान के अलावा किसी ने सच्चा प्यार कितना?
कभी अपनी बेटी नू प्यार से जप्पी शप्पी पाई है, कभी उसको कंधे पे बिठाकर आइसक्रीम खिलाने वास्ते ले गए, कभी खिलौने शिलौने दिलाए हैं, निभाया कभी कोई बाप होने का फर्ज नहीं ना? तो सुनैना को तो कभी बेटी होने का हक मिला नहीं, तो आपको भी कोई हक नहीं बनता उसकी जान लेने का। अगर बाप नहीं बन सके तो अभी शाप भी मत बनो। हेलो गाइस, वीडियो अभी भी ऑन है। अरे मेरी भोला मम्मी जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। उठ गई आप? नींद पूरी हुई ना आपकी? हुई कि नहीं? चंगा फिर। तो गाइस, ये है मेरी प्यारी फैमिली और ये है मेरी सबसे फेवरेट मेरी माँ। तो मेरी फैमिली में ना सारे नमूने भरे हुए, सबके सब नमूने, पर हाँ मैंने भी ठान लिए सबने सीधा करना है, सबने एक एक बंदे में। सुनैना, सुनैना, सुने ना, नीचे इतनी टेंशन चल रही हो तुम, यहाँ पे भंगड़ा कर दे। हाँ तो टेंशन को तुम भगाने के लिए भंगड़ा पा रही हो, अच्छा तू भी कर। ये देख पैरे से रखना, रखना। गो, गो, देखो जैसे बता रही हूँ वैसे स्टेप्स फॉलो कर, मर जाने ऐसे कर। हाँ, हाँ, ऐसे, 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 हाँ, 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 हाँ। अरे यार सियाप्पा, वो दो तीन स्टेप फॉलो कर, तुझे भी फील होगा कि तेरा स्ट्रेस ना दूर भागा। अब गिद्दा पा, देख ऐसे नहीं मारने, गिद्दा पाना है। देख देख, पैर उछल। अब जो कुछ भी करेगी वो ये दवा करेगी, और इस दवा की खासियत ये है कि जैसे जैसे डोसेज बढ़ती जाएगी नॉन वायलेंस भी हो सकता है। तो अब हम कोर्ट में ये प्रूव कर देंगे कि दालचीनी की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, और फिर कोर्ट फैसला सुनाएगा कि दालचीनी को पागलखाने भेज देना चाहिए। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 10:30 बजे। बस बस हाँ, मुझे बस सिखाओ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत ही क्विक लर्नर हूँ, तो मुझे आता है ऐसे ना। तुमने बिल्कुल सही कहा था, डांस करके सारी टेंशन भाग गए। देखा मैंने कहा था ना नमन से, देखिए जिंदगी ना एक बार मिलती है, पर इसके विच दुख 1000 मिलते। अब दुख को पकड़ के रोटलू बन के मत जी, दुख को पकड़ उनका रिमिक्स बनाते भांगड़ा पाते जिंदगी को जी। मजा आया। और रहने दे यार, जब तू पहले मैनू
सिमरन का पता बता दे बस। तो जस्सी पाजी, ऐसे तो मेरी प्रीतो मर जाएगी, तो प्रीतो बता दे ऐसे जस्सी पाजी सिमरन के साथ और हम दोनों। ये कहाँ भागी जा रही है? आज इसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगी। तुम तो डरी गए थे, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही? वही जो घर के अंदर कभी नहीं कर पाए। इस पहाड़ी में तुम्हारी कहानी का दी एंड करेंगे। तब नमन के साथ हमारी प्रेम कहानी शुरू होगी। पंकजा, गुड बाय सुनैना। पंकजा, अरे पंकजा, पंकजा, हम खाए थे ना तुमसे, इतना मठूसा करो, अभी तो ओवर ईटिंग करके साग लग गया ना तुमको। शौक तो हम कुछ और सोच सोच कर हो रहे हैं मम्मी, अपने इन्हीं हाथों से सुनैना को धक्का दिए थे इस चट्टानी पहाड़ी के नीचे, जहां से बचकर कोई वापस नहीं आ सकता। कि सुनैना कैसे वापस आ गई, वो भी इतनी झंड चालाक झंडालिनी बनकर। सुनैना को धक्का मार के नीचे गिराई थी। हमको तो लगता है वो जो सुनैना है ना, वो कोनो अमर बूटी खा के आई है। अरे नहीं तो इतना ऊंचा पहाड़ी से नीचे गिर के कोनो बचाए आज तो। और अभी तो देखो ना तुम, वो राजकुमारी जी इतना हट्टा कट्टा मुस्टंडा रुस्तम को भेजी थी उसको मारने के लिए, उसको भी दो उंगली से घोप के बेहोश करके आ गई महारानी। भगवान जी कौन सा आशीर्वाद दे के भेजे उसको यहाँ पे? इस महीने की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन सभी की रिपोर्ट आप मुझे मेल कर दीजिए। रिपोर्ट देखने के बाद ही हम अपनी अगली मीटिंग जो है वो तय करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। क्या ऐसे क्यों घूर रही हो और कब से खड़ी हो तुम यहाँ? काफी देर से। और देख रही हूँ कैसे अपने एम्प्लॉइज को चप्पड़ 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 करके ऑर्डर्स दे रहा है। वो डा हो गया है क्या? I mean, इतनी जल्दी, इतना बोरिंग,
मतलब दिन भर बस काम 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 यू। तो और क्या करूँ मैं? लो कर लो बात। क्या करूँ? इतनी ब्यूटीफुल हॉट टेम्पटिंग वाइफ है जो 2 साल बाद लौटी है, उसे थोड़ा घुमा फिरा, लंच से शॉपिंग कराया। व्हाट इज दिस? ओके तो ठीक है मैम, आप मुझे बताइए कि पहले आप क्या करना पसंद करेंगी? पहले आपको लंच पे जाना है, पहले आपको घूमना है, या पहले आपको शॉपिंग करनी है? हे रब्बा, पूरा का पूरा मशीन बन गया रे तू। मुझे ये प्लानिंग शेयरिंग नहीं होती है। एक काम करते हैं, चलते हैं फिर डिसाइड करेंगे। बस इतना पता है कि मम्मी जी के लिए कुछ खरीदना है। ओके, क्या लेना? सब यही पूछ लेगा, चलने पहले प्लीज। ओके ओके ओके, ठीक है बाबा, ठीक है चल। ओ हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। अब क्या? इन कपड़ों में मैं तेरे साथ फोटो ना खिंचवाऊं? बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है, कॉर्पोरेट का बॉस नहीं, मेरा हस्बैंड अभी बन के चलता है। एक मिनट, क्या हुआ? क्या करती? अरे कपड़े चेंज करवा रही हूँ तेरे। मैं कर लूंगा, गिव मी 2 मिनट्स। इतना शर्मीला है तू। नजर ना लगे, ना सोना लग रहा है तू। मैं दुनिया की ना पहली बूटी होंगी जिसको अपने पति पर ही क्रश हो रहा है। प्यार ना हो जाए मैनु, कोई तो रोक लो। चले काता मासा है, घर को कबूतर खाना बना रखा है। सरप्राइज। वाला बर्थडे मम्मी जी। जैसे कि मुझे आप सबसे यही एक्सपेक्टेड था कि किसी को याद नहीं रहने वाला, पर मैं तो ठहरी इनकी बेटी, मैंने कैसे अपनी मम्मी का बर्थडे याद नहीं रहे, है ना माँ? डैडी जी, अब आप भी ना अपने गुस्से पर मिट्टी पाओ और मम्मी जी के साथ केक कटिंग कर लो जी, आओ ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लाइव वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पल पल की अपडेट्स देती रहूंगी, तो देखिए अपडेट नंबर 1, ये है मेरे घर के सबसे सड़ू सबसे गुस्से वाले सदस्य, मेरे अपने सगे डैडी जी। इनको आप बाबू साहब के नाम से जानते होंगे, मुंगेर में बड़ा नाम है इनका, बड़े बड़े काम है। की फायदा, वोटी के बर्थडे वाले दिन तो इनको अपनी नींद ज्यादा प्यारी है, है ना डैडी जी? अपनी शक्ल दिखाइए, चलिए। बंद करो इसको, बंद करो इसको। अंकल जी सॉरी यार, अंकल जी वो सेलिब्रेशन का माहौल है, मम्मी जी का बर्थडे, अगर ऐसे में आप हम सबको ज्वाइन करेंगे तो अच्छा होगा। भाई साहब वो कहा है ना, भाई साहब हम कह रहे थे कि ये जो लड़की है ना, इसे सतर्क रहिएगा, कैसे कि ये तो इमली खूब के ना बेहोश कर देती है।
अरे डैडी जी कितने चले अब कहीं आप एक सेकंड ये तो नहीं ढूंढ रहे हो ना कि देखो ये गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे डैडी जी की गन है इन्हें ना मर्डर शर्डर करने का बहुत शौक है बाय गॉड तो ये ना हमेशा इनके पास ही रहती है बात बात पर निकाल लेते हैं इसलिए आज मैंने अपने पास ही रखा डैडी जी वैसे आपके पास इसका लाइसेंस तो है अगर लाइसेंस नहीं हुआ तो जेल जाना पड़ सकता है सियापा हो सकता है बाय गॉड चिल करिए डैडी जी वीडियो ऑन नहीं है पर मैं ऑन कर सकती हूँ इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और फटाफट मम्मी जी का केक काटते हैं ना वेट कर रही हैं बेचारे आप सब भी आइए आइए ना सब मूर्ति बन के क्यों खड़े हो ताली वाली बजाओ यार क्या ये सब वीडियो निकालूं क्या हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी जी उसे ना लोड ना लो धीरे धीरे इस परिवार में सबको सेलिब्रेशन करना इस सीरम से खा के जाएगी मैं चंगे लग रहे हैं ना हम दोनों साथ में हमेशा की तरह तुम सुनैना नहीं हो जो भी कर रही हो वो सुनैना नहीं कर सकती वो ऐसी थी ही नहीं